तो अगर आप टाटा कर्व का टॉप मॉडल नहीं लेना चाहते तो आपके पास ठीक नीचे क्या ऑप्शन आता है, ये वाला। ये है क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट, जिसकी कीमत 13,70,000 रुपये रहती है। अगर आप इसका पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदेंगे, डीजल के लिए 15,20,000 रुपये एक्स शोरूम। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। देखो, टॉप से कुछ ही फीचर्स हैं जो कि इसमें मिसिंग है, बाकी आपकी ज़रूरत के सारे फीचर्स इसमें मिल जाने वाले हैं। फ्रंट में आप देखेंगे, आपको LED की एक पट्टी मिलने वाली है जो कि पूरे फ्रंट फेस पे फैली हुई है। आपको LED DRL दिए गए हैं, LED हेडलैम्प आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रोजेक्टर हैं, और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाने वाले हैं। फ्रंट में आपको दो दो पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं टॉप मॉडल की तरह, और साथ ही टाटा के लोगों के ठीक नीचे आपको फ्रंट में एक पार्किंग कैमरा भी दिया गया है टॉप मॉडल की तरह। लेकिन टॉप मॉडल की तरह एक फ़ीचर नहीं मिलेगा, वो है ADAS का, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता था रडार, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, और वहाँ पर जो कैमरा मिलता था विंडस्क्रीन पर वो भी नहीं दिया गया है। लेकिन आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स ज़रूर मिल जाते हैं, साथ ही जो हेडलैम्प हैं वो भी ऑटो फंक्शन के साथ में आते हैं। साइड में आ जाएंगे, साइड में आपको टॉप मॉडल की तरह ही इसमें 18 इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी जो प्रोफाइल है वो है 215/55R18, काफ़ी बड़े साइज़ के ये व्हील आपको मिल जाने वाले हैं, और क्लैडिंग भी आप देखेंगे एकदम ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है। ORBM पर ही आपको टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं, और साथ में यहाँ पर इसके नीचे भी आपको कैमरा मिलने वाला है जो कि 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। अब बेस मॉडल से ही आपको इसमें मिल जाते हैं ये फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल, जिस पर यहाँ पर आपको वेलकम लाइट देखने को मिलती है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फीचर है। और पीछे आएंगे, कूपे स्टाइल वाला डिज़ाइन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और एक बार नज़र डाल लीजिए इसके टेल लैंप पे, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत हैं, और पूरा जो बोनट है, पूरा जो बूट है उस पर फैले हुए हैं। ये जो रियर पार्ट है इस गाड़ी का मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। यहाँ आप देखेंगे इसके टाटा का लोगो दिया गया है, 2D या 3D कह लीजिए, 2D है वैसे तो, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर इसके ठीक नीचे एक कैमरा भी दिया गया है। अब इस लाइट के ठीक ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। हाई माउंटेड तो नहीं है, इसके ठीक ऊपर माउंटेड है, क्योंकि हाई माउंटेड इसमें काम नहीं करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है, और ये ब्लैक कलर में आपको स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा। तो एक्सटीरियर में आप देखेंगे, नीचे आ पाएंगे, यहाँ पर दो दो रिवर्स में भी पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर एक बम्पर काइंड ऑफ थिंग दी गई है जो सिल्वर कलर की है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके एक्सटीरियर में मिल जाने वाली हैं। अब जो फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो इसके इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्रिएटिव प्लस एस के इंटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए हैं। अंदर आइए, चाबी भी मैं दिखा देता हूँ, वही टॉप मॉडल वाली चाबी आपको मिलने वाली है, यहाँ देखेंगे आप। और क्योंकि ये एक फ्लिप की नहीं है, यानी आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिलने वाला है। यहाँ पर चारों पावर विंडो दी गई हैं, देख लीजिए, उसके लिए इग्निशन ऑन करता हूँ, ऑटो फंक्शन के साथ आती है, और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ ये ORBM मिल जाने वाले हैं जो कि ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में आते हैं। अंदर आएंगे आप, वही स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, इल्यूमिनेट होता है, और फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाला है, जहां पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाने वाली है। यहां पर ये कह रहा है कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर लीजिए, साथ में इस डिस्प्ले में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, साथ ही नेविगेशन भी ये सपोर्ट करता है, ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने डायल दिखाने हैं। इस तरह से इसका जो डिज़ाइन है, जो थीम है, वो चेंज हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलने वाला है, लेकिन ये वो डिस्प्ले नहीं है जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलता है। आपको साफ अंतर नज़र आएगा अगर आप पीछे से देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा देखेंगे, क्योंकि टॉप मॉडल में आपको हार्मन वाला टच स्क्रीन मिलता है जो कि ये नहीं है, आप देख लीजिए। हालांकि टच रेस्पॉन्स इसका भी काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ में आपको मूड लाइटिंग भी मिल जाएगी। मूड लाइटिंग मतलब ये जो एम्बियंट लाइटिंग है, जिसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये वायरलेसली सपोर्ट करने वाला है, साथ में आपको JBL के मोड्स दिए गए हैं। अब साउंड की बात आई है तो ये भी बता दूँ, 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम इसमें मिलने वाला है, लेकिन वो JBL का साउंड सिस्टम नहीं रहने वाला इस वाले वेरियंट में। आप देखेंगे कहीं भी JBL की बैजिंग नहीं मिलेगी। यहाँ नीचे आ जाएंगे तो आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल मिलने वाले हैं, ना सिर्फ AC के लिए बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, क्वालिटी देख लीजिए एक बार आप, यहाँ से 2D व्यू, 3D व्यू,
बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। साथ में आप देखेंगे हिल डिसेंट कंट्रोल का भी फीचर यहाँ पर दिया गया है, जिसका स्विच यहाँ पर है, बूट ओपनिंग का स्विच यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे चार्जिंग दी गई है आपको 12 वोल्ट की टाइप ए टाइप सी, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का फीचर इस वाले वेरिएंट में नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइव मोड दिए गए हैं, लेदरेट आपको गियर नॉब मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी नहीं मिलता आपको, मैनुअल मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको इसमें कप होल्डर दिए गए हैं। साथ ही जो आर्म रेस्ट है वो भी लेदरेट नहीं मिलने वाला, सिंपल वाला मिलेगा। इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज दी गई है। आपको जो सीट्स है वो भी लेदरेट नहीं मिलने वाली, आपको नॉर्मल अपॉल्स्ट्री दी गई है फैब्रिक वाली। साथ ही जो ड्राइवर की सीट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाले, सिंपल हाइट एडजस्टमेंट ज़रूर मिलेगा। टॉप मॉडल में आपको को ड्राइवर सीट भी हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ आती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में वो फीचर नहीं दिया गया। इस तरह की स्टोरेज आपको मिल जाने वाली है। और रियर की अगर हम बात करें तो रियर में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और ये बड़ा सा सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाने वाला है, क्योंकि ये क्रिएटिव प्लस एस है, एस मतलब सनरूफ, और ये वॉइस पे भी काम करता है। इस तरह का डैशबोर्ड है। आप टच स्क्रीन देखेंगे, वही टॉप मॉडल वाली आपको मिलने वाली है जो कि हार्मन की टच स्क्रीन है, जिसमें जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। दोस्तों इस वेरिएंट को खरीद कर आप टॉप मॉडल के मुकाबले 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा बचा सकते हैं। कुछ ही फीचर हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए, बाकी आपकी ज़रूरत के सभी फीचर, इवन एडवांस फीचर भी इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई और सवाल है तो वो हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमने इस गाड़ी के सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर प्लस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। उस वाले वेरिएंट की कीमत सिर्फ 11 लाख रुपये से शुरू होती है।